हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशु और आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M01 में फेस अनलॉक के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखे रहेगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। दोस्तों सेटिंग्स में जैसे आप जाओगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है आपको। ये देख रहे हो लॉक स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ऊपर की तरफ पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, नीचे फेस लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको आप इनेबल कर दीजिए दोस्तों। जैसे इनेबल करोगे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है आपको। यहाँ से अपना 4 डिजिट पासवर्ड डाल देना है, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है और एक बार 4 डिजिट पासवर्ड डालना है, फिर ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे आपका फेस रजिस्टर होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेस कितना तेज़ी से रजिस्टर भी हो गया। और इसको ऑफ़ कर दीजिए ताकि आपकी स्क्रीन जो है वो डायरेक्टली ऑन हो जाए। तो अभी दोस्तों देखते हैं इसको कि ये कितनी तेज़ी से वर्क कर रहा है। तो यार थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी नहीं है और ये एक ही फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, वो भी थोड़ा डिले देखने को मिलता है हमें। अभी नया मोबाइल है, हम इसमें स्टोरेज करेंगे, सब कुछ डालेंगे, तब तो मतलब बहुत टाइम लेगा ना खुलने में, ऐसे तुरंत नहीं अनलॉक होगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा गाइस कि आप ये मोबाइल परचेस करें। और मैं इसको बुरा भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक है। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियोज़। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हम हर रोज़ ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।